जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि के पहले दिन से, और अभी हम हैं शीतला माता दरबार पे, यानी रास्ते पे अभी जा रहे हैं, और हमारे साथ है प्रिंस पीयूष और ये दीदी वो जीजा जी। जय माता दी, जय माता दी। चलो, तो ठंडा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग चल ही रहे हैं, अभी पीछे आ रहे हैं बच्चे लोग, तो चलो चलते हैं माता के दरबार पे, मैया के दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों आगे चल रहे हैं प्रिंस और पीयूष, और साथ में हो रही है व्लॉगिंग, और ऊपर है बिल्कुल हरे भरे पेड़ और ठंडा भी हो ही रहा है। तो रास्ता है कुछ ऐसा सीढ़ीदार जो कि ऐसे चलते चलते जाएगा ऊपर पहाड़ में, क्योंकि माँ का बसेरा पहाड़ों में ही होता है। ये है यहाँ की लोकेशन। चलो बना। तो अभी मम्मी लोग आ रहे हैं पीछे से। जय माता दी, बोले शीतला मैया की जय। ये बंद होते हैं। चल बना, चल जा, आदमी है। हम लोग अभी ट्रैकिंग पे निकले हुए हैं, ट्रैकिंग पे निकले हुए हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मैया के मंदिर में, और यहाँ हो रही है बहुत भीड़, तो चलो चलते हैं। ये देखो छोटे छोटे बंदर, बंदर बहुत है इधर। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन हो गए हैं, और काफ़ी भीड़ है इसलिए वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं बन पाई, और दर्शन हमने कर दिए हैं। यहाँ पे दीदी लोग हैं जो कि फोटो शूट कर रहे हैं, मैं मिलाती हूँ आपको। ये है जीजा जी। जय माता दी, जय माता दी। और ये दीदी लोग मिल गए, तो हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं, आप फिर मिलते हैं आपको, ठीक? और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, जो नीचे ग्राउंड पे आए हुए हैं अभी, और बच्चे देखो वहाँ खेल रहे हैं। आयो तेरा द्वार मैया, खोल दी केवाड़ो बार मैया, नंगर निशान लो नारियल। तो दोस्तों यहाँ पे बंदरों का आतंक मच रखा है, डरी डर से भाग रहे हैं सभी लोग। ये देखो, ये नहीं तो भगवान जी है ना, हनुमान। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ माता रानी के दर्शन करके, और पीछे आ रहे हैं दीदी लोग। चलो चलते हैं फिर धीरे धीरे, मैं मिलती हूँ आपको सीधे घर में, ठीक? बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, फोन निकालना बिल्कुल अलाउड ही नहीं हो रहा है, प्रसाद भी छीन ले रहे हैं वो। ये देखो ये जीजा जी पोटली कैसे पकड़ रखी है, संभाल नहीं पड़ रही है। प्रिंस कैसा लगा माता रानी के दर्शन करके? तो बोलो जय माता दी, जय माता दी।
तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको दिन के 12:30 बजे। मैं शीतला माता मंदिर से आने के बाद मार्केट को चले गई थी क्योंकि हमें लाना था ढोलक, जो हमारा कॉलोनी का संचायती जो ढोलक होता है जब भजन कीर्तनों में हम गाते हैं वो भी ले आए, और माँ के दरबार के लिए चलाने के लिए भी लाना था। तो उस वजह से मैं फट घर आके मैं फट से वहाँ चले गई थी, यहाँ तक कि मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला तो मैं चले गई थी, तो ब्लॉग तो फिर भूल ही गई। उसके बाद वापसी में मेरा मन था कि मैं इस मंदिर में भी जाऊँ, तो मुझे लगा टाइमिंग की कमी की वजह से पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन माँ का बुलावा ऐसा रहता है, वो तो मेरे एक एक मिनट का ख्याल रखती है। तो टाइमिंग ऐसी हुई कि और हम भी वहाँ पे पहुँचे और भजन कीर्तन शुरू हो रहे थे और माँ के मुझे दर्शन करने थे, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई और बहुत प्यारे दर्शन हुए। तो उनका बुलावा भी है मेरे लिए, तो बोलो जयकारा मेरी भवानी का, जयकारा मेरी सेरा वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये सब कुछ है। अब 12:30 हो गया है, मैं व्रत है मेरा तो मैं थोड़ा चाय पानी वगैरह पी लेती हूँ, अपना नहाना धोना जो भी रहता है थोड़ा सा काम वगैरह करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद 2:30 बजे से हमारे कालका मंदिर में, जो हमारा गांव का मंदिर है यहाँ, वहाँ कीर्तन है, तो 2:30 से 2:45 के बीच में मैं वहाँ जाऊँगी। अगर मैं फ़ोन ले गई तो भजन कीर्तन आपको ज़रूर सुनाऊँगी। भजन तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे लेकिन वही हो गया, हमें मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, मतलब बहुत। और आज पहला दिन ही है नवरात्रि का, तो मेरा तो गला बैठ गया है, भजन भी गाए जा रहे हैं और सोचे तो अभी तो 8 दिन बाकी है, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आज पहला दिन हुआ तो इसलिए भागदौड़ ज़्यादा हो गई, तो कुछ ऐसा ही है फिर हमारा, तो कुछ ऐसी ही है हमारी नवरात्रि की शुरुआत। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर तैयार होकर जब मंदिर में जाऊँगी तब मैं आपको मिलूँगी, या भजन कीर्तन रहेंगे तो वो जरूर। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार कालका मंदिर जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ अभी माँ कालका मंदिर में, तो भजन है वहाँ अभी, बाकी लोग तो चले गए हैं, मैं हो गई हूँ तैयार कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने साड़ी डाली है बिल्कुल पिंक कलर की, जो मैंने सुबह पहनी थी वही डाली है। तो चलो चलते हैं और लगाते हैं मैया के जयकारे, भजन सुन के आते हैं, फिर घर आके फिर मिलूंगी मैं, ठीक। और मेरा लुक है कुछ ऐसा, चलो जय माता दी। मंदिर से घर को और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं थोड़ा चाय वाय पी के
थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो जैसा भी रहा, थोड़ा बहुत मंदिर का था, थोड़े बहुत कीर्तन भजन थे, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी क्या ही कहूँ, मिलूंगी मैं आपको नए ब्लॉग पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा थकान, बड़ा अच्छे भी डल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहा धो के चाय वाय पी के रेस्ट कर लेती हूँ और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर लेती हूँ। अगले ब्लॉग में मिलूंगी, ठीक। जय माता दी, राधे राधे।